किसी ने क्या खूब कहा है, कमियां तो सब में हैं, पर साथ देने वाला खूबियां देखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, कुछ न कुछ कमियां हर इंसान में होती है। उन कमियों को अगर हम अच्छी तरीके से समझकर उसका उपयोग अच्छाई के लिए कैसे करें, यही आज हम अपनी कहानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कमियां। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास डेढ़ घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। क्यों? किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुंचा पाया। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर कि उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूं और अपना घर सुंदर बना पाता हूं। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिला कि किसी भी मनुष्य के अंदर जो भी कमी है, उस कमी को अगर हम अच्छाई के लिए उपयोग करें तो शायद वह भी अच्छा बन जाएगा और उसकी कमियां हमें अच्छाई के रूप में दिखने लगेंगी। यह वही व्यक्ति कर सकते हैं जो समझदार होते हैं, कि दूसरों को कमियों को देखने के बजाय उसकी कमियों को अच्छाई में परिवर्तित कर पाते हैं। कमियों को अच्छाई में परिवर्तित करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूं, कि काम तो सभी करते हैं
पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको प्रत्येक सुबह मिले और एक आप अच्छे इंसान बन सके, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।